हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद शालिनी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, जस्ट एक आइडिया दूंगी उन लोगों के लिए जिनका फोरहेड काफ़ी बिग है। आप देख सकते हो मेरा भी फोरहेड काफ़ी ऊंचा है एंड मैं ऑलमोस्ट साइड में बाल कट करवा के ही रखती हूँ। मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला होगा 7-8 क्लास से, तब से मेरे बाल साइड से कटे हुए ही हैं। मुझे याद है बचपन से बहुत लोगों ने बहुत तरीके की बात आपको कहते रहे, सामने से तो तुम्हारे बाल नहीं हैं, तुम्हारे बाल काफ़ी पीछे से हैं, इस टाइप्स के कमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं। एंड उसकी वजह से मैंने हमेशा बाल साइड में कट करवा के ही रखा है। एंड और मेरा ओनली वन हेयर स्टाइल होता था। अगर मैं किसी भी पार्टी फंक्शंस में जाती हूँ या तो आफ्टर मैरिज भी मेरा वो फेवरेट था, बाल ओपन कर लो, थोड़े से बालों पे क्लचर लगा लो, दैट्स इट, ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल था। बट पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ हेयर स्टाइल ट्राई किए हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो ये वीडियो मेरे जैसी उन लड़कियों के लिए है जिनका फोरहेड काफ़ी बड़ा है। तो लोगों को बोलने दो, आप जिसमें कंफर्ट हो, आपको जिसमें अच्छा लगता है आप वो करो। तो सबसे पहले मैंने कभी बन नहीं बनाया था, पहले वो ये वाला है। मैंने इसमें मेरी वीडियो भी बनी हुई है, वो वीडियो का लिंक भी मैं दे दूँगी, आप देख लेना। ये वाला हेयर स्टाइल, इसमें मेरे बाल उस समय साइड्स में कटे नहीं थे, तो मैंने वीडियो बनाने की वजह से मैंने ये वाला हेयर स्टाइल सीखा। मुझे बहुत गर्मी लगती थी क्योंकि वीडियो में पंखा ऑन नहीं करना होता है, आवाज़ नहीं जाती क्लियर इस वजह से। तो मैंने बन बनाना स्टार्ट किया, फिर मैंने बन बनाया, उसको थोड़ा सा लूज़ कर देती हूँ सामने से। तो ये वाला हेयर स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड अब गर्मियों में मैं रेगुलर इसी को फॉलो करती हूँ। एक तो ये वाला हेयर स्टाइल हुआ, दूसरा इस टाइप का हेयर स्टाइल जो कि सामने से बाल कटे हुए हैं एंड सेम मैंने बन बनाया हुआ है और सामने से मेरे बाल आ रहे हैं, ये इस टाइप वाला हेयर स्टाइल, ये भी है जो कि ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रही हूँ एंड मैंने 3-4 तरीके के बन बनवाए हैं अपने बालों में। दो जो भी हो मैं पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करते चली जाऊँगी, आप देख लेना। और उसके बाद मैंने साड़ी पे एक और हेयर स्टाइल ट्राई किया था, जैसे बालों को ट्विस्ट करके और उसके बाद यहाँ से क्लिप लगाते हैं, तो ये वाला हेयर स्टाइल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा खुद के ऊपर। एंड सबसे अमेजिंग हेयर स्टाइल जो मुझे लगा, सामने से पफ बनाया हुआ है मैंने ये वाले लहंगे पे, तो सामने से मैंने पफ बनाया हुआ है एंड बाल को ओपन किए हैं एंड बाल सारे कर्ली किए हुए हैं। ये एक्चुअली मैंने एक पार्लर से करवाया था, तो ये हेयर स्टाइल मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर आप भी मेरे टाइप की हो और आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं किस टाइप का हेयर स्टाइल करूं, इनफैक्ट मैं अपनी शादी में भी बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी बन नहीं बनाया था और मुझे एनी टाइम यही दिक्कत होती थी कि मेरा फोरहेड बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं ऊपर से ऐसे करके रखूँगी तो सामने से फेस बहुत गंदा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल भी कोई भी हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो जो आपको पसंद हो। तो मैंने जो जो भी ट्राई किया ना, मैं यहाँ पे पिक इंसर्ट करते चली जाऊँगी, आप वो देख लेना। और अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा। और इसमें से अगर आप हेयर स्टाइल देखना चाहते हो कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो वाला भी वीडियो अपलोड कर दूँगी आपके लिए। एंड ये था गाइज आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।